लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में समझ लेते हैं कि कौन ईडीसी से मतदान करेगा, कौन पोस्टल बैलेट से मतदान करेगा। पोस्टल बैलेट से मतदान करने की क्या कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन को समझ लेते हैं। यदि हम रहने वाले, क्योंकि हमारे यहाँ 3 लोकसभा क्षेत्र हैं, आइए समझते हैं कौन कौन से। 4 बिजनौर, 5 नगीना, 6 मुरादाबाद। यदि कोई बिजनौर लोकसभा क्षेत्र का रहने वाला सदस्य है और उसकी ड्यूटी नगीना लोकसभा क्षेत्र या मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में आ जाती है, तो वह पोस्टल बैलेट से मतदान करेगा। वो कहां से मतदान करेगा? पोस्टल बैलेट से। वो पोस्टल बैलेट से मतदान करेगा कि कोई रहने वाला है बिजनौर लोकसभा क्षेत्र का और उसकी ड्यूटी अन्य किसी लोकसभा क्षेत्र में आ जाती है, तो वह पोस्टल बैलेट से मतदान करेगा। इसके दूसरी तरफ यदि कोई बिजनौर लोकसभा क्षेत्र का ही रहने वाला है और उसकी जो ड्यूटी है चुनाव में वो बिजनौर लोकसभा में ही आ जाती है, या नगीने का रहने वाला है नगीना लोकसभा क्षेत्र में ही आ जाती है, मुरादाबाद का रहने वाला है लोकसभा क्षेत्र का और मुरादाबाद में ही आ जाती है मुरादाबाद लोकसभा में, तो वह ईडीसी से मतदान करेगा। उसको पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। इलेक्शन कमीशन के सख्त निर्देश हैं कि यदि किसी कार्मिक की ड्यूटी उसकी गृह लोकसभा क्षेत्र में लगती है तो वह ईडीसी से मतदान करेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं इसमें आगे कि बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में 2 विधानसभाएं आती हैं, 22 बिजनौर और 23 चांदपुर। कोई रहने वाला 23 चांदपुर का है और उसकी ड्यूटी आ जाती है 22 बिजनौर में, तो इस तरह से रहने वाला तो वो बिजनौर लोकसभा क्षेत्र का ही हुआ, तो इसलिए वो ईडीसी से मतदान करेगा। और थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे कि नगीना लोकसभा क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसमें 5 विधानसभाएं आती हैं, 17 नजीबाबाद, 18 नगीना, 20 धामपुर, 21 नेटौर, 24 नूरपुर। अब कोई 24 नूरपुर विधानसभा का रहने वाला है और उसकी ड्यूटी 17 नजीबाबाद में आ जाती है, तो वह कहां से मतदान करेगा? ईडीसी से मतदान करेगा, क्योंकि 17 नजीबाबाद से लेकर 24 नूरपुर तक ये पांचों जो विधानसभाएं हैं ये 5 लोकसभा नगीना क्षेत्र में आती है, इसलिए वह ईडीसी से मतदान करेगा। उसको फॉर्म 12A भरना पड़ेगा, जिस और उसको ईडीसी प्रमाण पत्र मिलेगा, उसी के द्वारा वो ईडीसी के माध्यम से मतदान करेगा, पोल डे वाले दिन ईवीएम के माध्यम से ही। इसी तरह से यदि कोई बढ़ापुर लोक विधानसभा का रहने वाला है और उसकी ड्यूटी मुरादाबाद में आ जाती है, 6 मुरादाबाद जो क्षेत्र बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में आता है उसमें आ जाती है, यानी कि तो वह भी ईडीसी से ही मतदान करेगा। अन्यत्र कहीं आती है, 4 बिजनौर में आती है या 5 नगीना में आती है, तो वह पोस्टल बैलेट से मतदान करेगा। धन्यवाद।